को जब हम इशू करते हैं तो शेयर को इशू करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। देयर आर थ्री वेज इन विच अ शेयर कैन बी इशूड बाय अ कंपनी। इट कैन बी इशूड फॉर कैश, ये केस हम कर चुके हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी क्वेश्चन में हम जब शेयर को इशू करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, और उन सभी की एंट्रीज हमको करनी आ गई है। सेकेंड केस इज अ शेयर कैन बी इशूड फॉर अदर देन कैश, जो हम आज करेंगे। इसका मतलब है कि हम जब शेयर इशू कर रहे हैं तो उसके बदले हमारे को पैसा या कैश रिसीव नहीं होगा। सो दिस इज द टॉपिक फॉर द डे। एंड अ शेयर कैन बी इशूड टू इंप्लॉइज अंडर इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये केस हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। सो अभी आज हम जो करने वाले हैं वो है कि जब शेयर को हम इशू करेंगे अदर देन फॉर कैश। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू एक्स लिमिटेड फ्रॉम हूम एसेट्स ऑफ 25,000 वर एक्वायर्ड। क्या बोल रहा है कि हमने एक कंपनी एक्स लिमिटेड से एसेट्स खरीदे। कितने के एसेट्स खरीदे? 25,000 के। और ये 25,000 रुपीज हमने इनको कैश में नहीं पे किया, हमने क्या किया, हमने इनको शेयर इशू किए। ठीक है, अब सबसे पहली एंट्री जो होगी वो होगी एसेट्स को खरीदने की एंट्री। हमने जब ये एसेट्स खरीदे तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू किस कंपनी से हमने एसेट खरीदे हैं? हमने ये एक्स लिमिटेड से खरीदे हैं तो एक्स लिमिटेड को हमने 25,000 रुपीज देने हैं, तो एस एक्स लिमिटेड हमारा क्रेडिटर बन गई। ठीक, सो अब हमने एक्स लिमिटेड को पेमेंट करनी है। लेट अस से कि हमने एक्स लिमिटेड को चेक के थ्रू पेमेंट कर दी। अगर हम एक्स लिमिटेड को पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू तो एंट्री बताओ क्या होगी? एंट्री होगी एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक अकाउंट, है ना। अगर हम किसी भी क्रेडिटर को कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर ऐसा नहीं किया हमने, हमारे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमने इस 25,000 की पेमेंट को कैश में या चेक के थ्रू नहीं किया, हमने इसके बदले शेयर्स इशू कर दिए। अब शेयर्स जो हमने इशू किए वो शेयर हमने क्या बोला, हमने बोला एक्स लिमिटेड को कि हमारा एक शेयर ₹10 का है, हमारा एक शेयर ₹10 का है। अब अगर हमने एक्स लिमिटेड को ₹25,000 देने हैं और हम उसको एक शेयर ₹10 का दे दें इस 25,000 के बदले, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हमको एक्स लिमिटेड को इशू करना पड़ेगा? हमको एक्स लिमिटेड को फिर 2500 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ऐसा ही है ना, हमने क्या बोला, हमने एक्स लिमिटेड को बोला हमने तेरे ₹25,000 देने हैं, पर हमारा एक शेयर ₹10 का अगर हम तुझे दे दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तुझे कितने देने पड़ेंगे? 2500। बिकॉज अगर हम 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच उसको देंगे तो उसके ₹25,000 की पेमेंट पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? चलो, एंट्री बनेगी एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। हमने एक्स को कितने रुपए देने हैं? 25,000। कैसे? ये देखो, ₹25,000 एक्स को आपने क्रेडिट किया हुआ है। अगर आप एक्स को पेमेंट करते हो तो एक्स को डेबिट करना होता है। तो यहां पर हम एक्स को पेमेंट तो कर रहे हैं पर पेमेंट कैश में नहीं हो रही, चेक से नहीं हो रही, शेयर्स के थ्रू हो रही है। जब हम इसको शेयर इशू करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000, और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, 2500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड। हमने एक्स लिमिटेड को 25,000 के बदले 25,000 के शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, अब
क्या ये जरूरी है कि अगर हमारा शेयर 10 रुपए का है तो हम 10 में ही दे सकते हैं? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 का शेयर हम 12 में दे दें, 15 में दे दें या 20 में दे दें। इसका मतलब शेयर कैन बी इशूड एट अ प्रीमियम। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो हमने बोला कि 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 वर इशूड। हमने एक्स लिमिटेड को कितने शेयर दिए? 2000 शेयर, और कितने पैसे के बदले? 25,000 रुपए के बदले। यानी कि हमने 25,000 रुपीज पे करने थे जो एसेट्स हमने एक्स लिमिटेड से खरीदे उसके बदले, पर हमने इसके अगेंस्ट 2000 शेयर्स अगर इशू किए तो इसका मतलब हर शेयर कितने में इशू किया? 12 रुपीज 50 पैसा में। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर हमने 12 रुपीज 50 पैसा में इशू किया। अगर ऐसा हुआ तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी X लिमिटेड अकाउंट डेबिट। हमने X को 25,000 रुपीज की पेमेंट करी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स टू शेयर कैपिटल, पर हमने शेयर इशू कितने करे इसको? 2000 शेयर, और हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 20,000 से, और बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। कितना? 2000 शेयर, और आपने देखो यहां पर 2 रुपीज 50 पैसा एक्स्ट्रा पे इशू किया शेयर, इसका मतलब 2 रुपीज 50 पैसा इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000। सो दिस इज द एंट्री इफ शेयर्स आर इशूड, ठीक है, एट प्रीमियम, एंड दिस इज द एंट्री इफ शेयर्स आर इशूड एट पार। ठीक, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, अब उनसे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 35 या 36 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, एन लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹159,000 फ्रॉम एस फर्नीचर। हम कौन है? एन लिमिटेड। हमने एक कंपनी है एस फर्नीचर, उससे फर्नीचर खरीदा। कितने का फर्नीचर खरीदा? 159,000 का। चलो एंट्री पास करो, फर्नीचर खरीदा तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 159,000 टू कंपनी जिससे खरीदा एस फर्नीचर अकाउंट। ये हमारा कौन है? सप्लायर, तो ये हमारा क्रेडिटर बन गया 159,000। सो दिस इज द एंट्री जब हमने फर्नीचर खरीदा। सेकंड, पेमेंट वॉज मेड एज 59,000 इन कैश। कहता है हमने 59,000 तो इस कंपनी को कैश दे दिया, तो कैश पे पेमेंट की एंट्री, एस फर्नीचर को हमने पैसे दिए, तो एस फर्नीचर अकाउंट डेबिट 59,000 टू कैश अकाउंट 59,000। देखो हमने 159,000 रुपीज देने थे एस को, और हमने 59,000 उसमें से दे दिए, तो अगर 159 में से 59 दे दिए तो कितना पैसा और रह गया पेंडिंग? 1,00,000 रुपया अभी भी पेंडिंग है जो हमने इसको पे करना है। द बैलेंस, बैलेंस कितना? 1,00,000 वॉज पेबल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। हमने क्या बोला? हमने एस फर्नीचर कंपनी को बोला कि जो पैसे हमने तुझे 1,00,000 रुपए देने हैं उसके बदले हम अपना एक शेयर जो 100 रुपीज का है वो तुझे 100 रुपीज में दे देते हैं, तो मुझे बताओ कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। वो कैसे आएगा? जितनी हमने इसको पेमेंट करनी है, टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। देखो हमने कितने पैसे पे करने एस को? 1,00,000 डिवाइडेड बाय हम अपना शेयर जो 100 रुपए का है वो कितने में इशू कर रहे हैं, क्या है उसका इशू प्राइस। क्वेश्चन ने क्या बोला? हम उसको पार पे इशू कर रहे हैं, इसका मतलब 100 का शेयर 100 में इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो इशू प्राइस इज 100। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड? इसको सॉल्व करो, इसका मतलब हम टोटल 1,000 शेयर्स इशू करेंगे एस कंपनी को। तो चलो शेयर इशू करने की एंट्री क्या बनेगी?
एस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हमने 1,00,000 रुपए फर्नीचर वाले को देने थे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने कितने शेयर इशू किए, 1000, कितने में इशू किया, 100 में। सो ये एंट्री बन गई एस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एस फर्नीचर का अकाउंट खत्म हो गया होगा। ये देखो एस फर्नीचर को आपने क्रेडिट किया था 159 से, फिर एस फर्नीचर को डेबिट किया 59 से, फिर एस फर्नीचर को फिर से डेबिट किया 1,00,000 से, तो जितना डेबिट हुआ उतना ही ये क्रेडिट था। डन, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ओ लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 159 फ्रॉम एस फर्नीचर, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, हमने फिर से फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 159 का, टू ओ लिमिटेड से खरीदा तो ओ लिमिटेड कौन है, हमारा क्रेडिटर, पर ये जो 1,59,000 रुपीस हमने अब ओ लिमिटेड को देने हैं कैसे दिए, क्वेश्चन बोल रहा है, पेमेंट वॉज मेड एज 69,000 इन कैश, तो 69,000 की तो पेमेंट कर दी ओ को, तो ओ लिमिटेड डेबिट 69,000 टू कैश। अब मुझे बताओ कितने पैसे रह गए ओ लिमिटेड को देने वाले, 159 ओ लिमिटेड को देने थे जिसमें से 69,000 हमने ओ लिमिटेड को कैश दे दिया, दैट मींस 90,000 अभी भी पेमेंट पेंडिंग है जो हमने देनी है। ये पेंडिंग पेमेंट के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बैलेंस ऑफ 90,000 वॉज पेएबल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। हम क्या बोल रहे हैं, हम ओ लिमिटेड को बोल रहे हैं कि हमने जो तुझे 90,000 रुपीज देने हैं ये हम कैसे देंगे, ये हम अपना 100 रुपए वाला शेयर तुझे 120 रुपए में देंगे, ठीक। तो इशू प्राइस 120, टोटल पेमेंट पेंडिंग इज 90, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, टोटल शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 90,000 की पेमेंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, बताओ इसका मतलब 750 शेयर्स हम ओ लिमिटेड को इशू करेंगे, लेकिन ये 750 शेयर्स 100 रुपीज के 120 में इशू होंगे, याद रखना। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ओ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हमने ओ लिमिटेड को कितने पैसे देने थे 90,000, टू शेयर कैपिटल, जितने शेयर इशू किए 750 इनटू जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है। देखो इसमें हम दो टुकड़े करेंगे ना, इसके 100 अलग और 20 अलग, ये 100 तो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 750 इनटू 100 75,000 तो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और बाकी का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, 750 इनटू 20 रुपीज 15,000 रुपए, और हमारी एंट्री मैच हो जाएगी, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 1,00,000। क्या बोल रहा है, हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1,00,000 रुपए की, जिसके बदले हमने 800 शेयर इशू किए 100 रुपए का शेयर 25% के प्रीमियम पे, इसका मतलब 125 रुपीज पे हमें एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री विल बी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, 1,00,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी, टू हमें नहीं पता किससे खरीदी, तो टू क्रेडिटर अकाउंट, हमने क्रेडिटर के पैसे देने हैं। सेकंड, अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम 800 शेयर्स इशू करेंगे, एक शेयर 100 रुपए का है, पर ये 100 रुपए में इशू नहीं होगा, ये कितने में इशू होगा, 25% के प्रीमियम पे, इसका मतलब ये 125 रुपीज पे इशू होगा, जिसके दो हिस्से 100 रुपए की फेस वैल्यू और 25 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एंट्री पास करो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट
1 लाख हमने ये क्रेडिटर को जो पैसे देने हैं वो हमने दे दिए, कैसे? टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर इशू किए हैं? 800। एक शेयर कितने का है? 100 का, तो ये आ गया 80,000। कितने शेयर इशू किए? 800। कितना प्रीमियम है? 25 पर शेयर, ये आ गया 20,000। सो दिस एंट्री इज ओके, क्लियर है?